नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया सेक्टर के 5 बेहतरीन स्टॉक्स जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, आपको बहुत ही रुपया छाप करके देगा, क्योंकि लॉकडाउन के सिचुएशन में ये स्टॉक्स आपको 50% से भी अधिक करेक्शन पर मिल रहे हैं और आगे भी एक महीने में और करेक्शन इसमें हो सकता है। तो ऐसे में आपको जो इसके बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक्स है जो कि फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बहुत ही स्ट्रांग है, तो ऐसे स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वैसे ही स्टॉक हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं यहाँ पे। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला शेयर है वो है हमारा PVR लिमिटेड। दोस्तों PVR लिमिटेड आपको हम दिखा देते हैं इसके चार्ट को, देख सकते हैं ये स्टॉक्स कभी 2000 से भी अबव का हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं करेंट मार्केट प्राइस है 851 रुपीज। तो देखते हैं कितने 60% से भी अधिक के डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स अभी आपको मिल रहा है। देख सकते हैं ये स्टॉक्स 52 वीक हाई जो है 2125 रुपीज, इस प्राइस पे आप इस स्टॉक को खरीदने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अभी आपको बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रहा है और अभी भी आपको वेट करना है थोड़ा, इसमें और करेक्शन आ सकता है क्योंकि अभी जो हमारा सिचुएशन है पैंडमिक सिचुएशन वो खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और करेक्शन आ सकता है क्योंकि अभी जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे तब तक ये कोई ये जो PVR सिनेमा है ये खुलने वाला नहीं है, तो ऐसे में इसका रिजल्ट जो होगा डायरेक्ट जीरो लिखाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट इतना बुरा आएगा तो ऐसे में इस स्टॉक में कितना करेक्शन आ सकता है। तो जब पूरा मार्केट में करेक्शन आता है तब इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। जैसे देखिएगा लॉकडाउन आप खत्म होने वाला है, हटने वाला है, मार्केट में करेक्शन खत्म होने वाला है, आपको इसमें SIP मोड में इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर देनी है। तो PVR समझ सकते हैं कि जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो सारा इसका जो वर्किंग है सब नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसे में ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और चलिए हम इसके आपको फाइनेंशियल को भी दिखा देते हैं, और इसका जो मार्केट कैप देख लीजिएगा अभी कितना है, 43 बिलियन, और जो पी रेशियो है मात्र 27 का है। देख सकते हैं बहुत ही पहले हाई पी रेशियो इसका हुआ करता था। और इसका हम फाइनेंशियल दिखा देते हैं और इसका जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ें हम आपको साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हम फाइनेंशियल पर चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, यहाँ पर देखते हैं दिसंबर क्वार्टर तक का ही रिजल्ट आया है। जैसे ये जो हमारा क्वार्टर है मार्च क्वार्टर इसका रिजल्ट आ जाता है तो अगर वो इफेक्टेड है तो निश्चित है इसमें और करेक्शन आएगा, और जैसे जून क्वार्टर आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर तो और ज़्यादा आपको करेक्शन देखने मिल सकता है। उससे पहले देखिएगा तो सिचुएशन जब नॉर्मल था तो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी, देख सकते हैं कि प्रॉफिट लगातार लगभग कंसिस्टेंट थी, थोड़े बहुत गिरावट उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है, देख सकते हैं थोड़ा बहुत कंपनी के प्रॉफिट में उतार चढ़ाव होते देखने आपको मिल सकता है। ये क्या होता था कि जो दिसंबर क्वार्टर होता था उसका प्रॉफिट इस सेक्टर में बहुत ही अच्छा होता, देख सकते हैं दिसंबर सितंबर क्वार्टर इसका क्वार्टर का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता था, और फिर देखते हैं जो जून क्वार्टर है उसका रिजल्ट बहुत ही खराब पहले से ही आता था, तो इस बार तो आपको लगभग जीरो दिखेगा, लगभग जीरो, तो समझ सकते हैं हो सकता है माइनस में भी दिखे। तो ऐसे में इस कंपनी का जो शेयर है उसमें भारी गिरावट देखने आपको मिल सकता है। और यहाँ पर नेट सेल्स देखिएगा तो लगातार नेट सेल्स देखते हैं पिछले क्वार्टर तुलना में फ्लैट रहा था, 915 करोड़ है दिसंबर क्वार्टर का, फ्लैट रहा है पिछले क्वार्टर तुलना में। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ, उसी तरह प्रॉफिट 36 करोड़ पिछले क्वार्टर तुलना में बहुत ही कम था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखिएगा कम था, लेकिन ये जो है जून क्वार्टर में कम आता था और दिसंबर और सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा आता था, तो देख सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, इस बार जो आएगा रिजल्ट वो जो है जून क्वार्टर का पूरी तरह से निगेटिव भी हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो ये पहला स्टॉक था जो कि बेहतरीन स्टॉक है और इसमें वेट करना है आपको और करेक्शन होने देना है, फिर SIP मोड में आपको इन्वेस्टमेंट शुरुआत करनी है, पहले 2 शेयर लिए फिर करेक्शन आया फिर लिए 2 शेयर, इस तरह से आपको SIP मोड में इन्वेस्ट करना है स्टॉक में। उसके बाद जो हमारा दूसरा शेयर है वो है आइनोक्स, देख सकते हैं आइनोक्स बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, ये PVR के बाद दूसरा बेहतरीन स्टॉक्स है। इसका भी लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए ये भी स्टॉक्स देख सकते हैं कितने का,
जो मैक्सिमम प्राइस है इसका भी 511 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी आप देख सकते हैं इसमें आपको 70% से भी ज़्यादा का करेक्शन देखने मिल सकता है। देख सकते हैं 193 रुपीज़ अभी है और इसमें करेक्शन आ सकता है, जैसे इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा, क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है या नहीं, ये चलेंगे हम मंडी कंट्रोल के वेबसाइट पर देखेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए इसका जो पी रेशियो है वो भी बहुत ही नीचे आ चुका है, मात्र 13 का पी रेशियो है, पीवीआर का बहुत ही ज़्यादा था, इसका बहुत ही कम है उससे, मात्र 13 का पी रेशियो है, पी रेशियो भी बहुत मायने रखता है, अगर 10 के आसपास आपको पी रेशियो मिलता है तो बहुत ही स्टॉक्स आपको इंटेंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, मतलब जो फेयर वैल्यू होना चाहिए, जो रियल वैल्यू चाहिए उससे बहुत ही नीचे प्राइस पे आपको स्टॉक्स मिल रहा है। तो लेकिन अभी भी आपको तेज़ी नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें वेट करना है, थोड़ा सा वेट करें, इसमें और करेक्शन आएगा तो और करेक्शन का आप इंतज़ार करें और फिर जा कर के इन्वेस्टमेंट करें। चलिए हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं, किस तरह से कंपनी का जो सेल्स है वो इम्प्रूव हुआ है, इसका जो प्रॉफिट है किस प्रकार इम्प्रूव हुआ है, देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर तक का ही रिजल्ट, अभी क्वार्टर फोर का आया नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं जो 512 करोड़ इसका भी सेल्स है और जो पिछले क्वार्टर की तुलना में लगभग फ्लैट रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ईयरली मतलब कंपेयर करें, मतलब दिसंबर क्वार्टर जो है 2008 का उसके कंपेयर में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट कहें तो 35 करोड़ है, देख सकते हैं 35 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देख सकते हैं कि फ्लैट रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस करें तो उसमें भी फ्लैट रहा है। वहीं देख सकते थे कि पीवीआर में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव था, इसमें लगभग कांस्टेंट रहा है, तो समझ सकते हैं ये कंपनियां भी लगभग पीवीआर के बराबर ही प्रॉफिट मेक कर रही है, लेकिन ये कंपनियां बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है कंपनी के बारे में, फिर आपको इन दो कंपनियों में जो अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन अभी आपको वेट करना है, अभी थोड़ा वेट करना है क्वार्टर फोर का रिजल्ट, क्वार्टर वन का रिजल्ट, इस दोनों के बीच में आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी मोड में, और मार्केट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, अगर मार्केट में देखेंगे कि करेक्शन खत्म हो जाता है तब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, जैसे मार्केट रिकवर करने लगता है तब आप इन सब स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना मार्केट के रिकवरी के इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बिना हमारे सिचुएशन को नॉर्मल हुए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप इसमें फंस जा सकते हैं, तो अगर एक बार फंस गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा है, रिटर्न भी आपको ज़बरदस्त देगा, लेकिन सिचुएशन जब नॉर्मल होने की तरफ आएगा तब आपको इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना है, क्योंकि अभी जो हमारा सिचुएशन उसमें भीड़ जमा नहीं हो सकता, तो ऐसे में ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर सकती है। अगला तीसरा स्टॉक है हमारा सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड, दोस्तों देखते हैं ये भी स्टॉक्स आपको बहुत ही ज़्यादा करेक्शन मिल रहा है, ऐसे ये स्टॉक्स पिछले 2 सालों से अंडर परफॉर्म रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें करेक्शन देखने मिल रहा है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ही करेक्शन है इसमें, और ये स्टॉक्स कभी 1000 का हुआ करता था, अभी मात्र 385 रुपीज़ का, और इसका डिविडेंड यील्ड देखते हैं कितना शानदार है, 6.49% का, मतलब अप्रॉक्स 7% का डिविडेंड यील्ड है, तो इसमें अभी आपको तेज़ी नहीं करना है, थोड़ा सा और इसमें इंतज़ार करना है मार्केट के डायरेक्शन का, मार्केट में अगर करेक्शन आता है थोड़ा सा इसमें और करेक्शन आ सकता है तब फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। और यहां पर देखते हैं इसका जो पी रेशियो है मात्र 10 का है, 10.61, और ये स्टॉक्स जो अभी मिल रहा है आप देख सकते हैं पिछले 15 साल से नीचे प्राइस पर, देख सकते हैं 2007 का भी प्राइस था 444 रुपीज़, और अभी आपको मिल रहा है मात्र 385 रुपीज़ पर, देख सकते हैं 15 साल से भी नीचे के प्राइस पर मिल रहा है, तो ऐसे में ये स्टॉक्स अगर आप अपना रिसर्च कर लेते हैं थोड़ा सा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें, और सिचुएशन जैसे नॉर्मल की ओर जाता है, अगर वो कंपनी के सारे फंडामेंटल सब चीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, अगर सिचुएशन नॉर्मल होता है कंपनी के, चलिए सेल्स देख लेते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनियाँ किस तरह का परफॉर्म दिया है, तो देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर तक का ही रिजल्ट है, अपडेट नहीं हुआ है, 814 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें, मतलब दिसंबर क्वार्टर जो है 18 का, तो उसके कंपेयर में ये जो है बहुत ही कम है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर 2018 का उसमें जो है रिजल्ट वो है 904 करोड़ रहा है दिसंबर का 2018 में, वही हमारा जो है
दिसंबर क्वार्टर 19 में 814 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। अब वहीं प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट है हमारा 373 करोड़ नेट प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर का। वहीं हमारा जो पिछला क्वार्टर है 366 करोड़, इसके कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करें उसके कंपेयर में भी ज़्यादा है, 351 करोड़। तो देख सकते हैं कि जो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में और ईयर ऑन बेसिस जो क्वार्टर के कंपेयर में है उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इसी तरह से आप इसके पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मार्केट के डायरेक्शन का आपको वेट करना है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद हम चलते हैं चौथे कंपनी की, और चौथा जो हमारा है वो है जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। दोस्तों जी इंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनी जैसे जैसे अपने डेप्ट को कम करती है तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं तो देखते हैं इसी के कारण ये जो है स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म रहा है। देखते हैं ये स्टॉक्स कभी 600 रुपीज़ का हुआ करता था और अभी आप देखते हैं मात्र ये है 163 और ये नीचे 114 रुपीज़ तक आ चुका था। तो देखते हैं इस कंपनी के पास डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कंपनियां इधर अपने रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा सुधार किया है। तो इस तरह से अगर कंपनियां अपना डेप्थ भी कम कर लेती है तो इस कंपनियों में इन्वेस्ट करना बनता है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि कंपनियां जो है अपना डेप्थ कब कम करती है उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका पी रेशियो देखिए बहुत काफ़ी कम है, 9.91, तो पी रेशियो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स आपके लिए उपलब्ध है। बस इसमें जो रीज़न है कि इस कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम इसके सेल्स और प्रॉफिट को देख लेते हैं कि कंपनियाँ किस तरह का प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर तक का ही रिजल्ट उपलब्ध है, तो चलिए हम दिसंबर क्वार्टर तक का ही कंपेयर कर लेंगे। 2048 करोड़ ये दिसंबर क्वार्टर का नेट सेल्स है, जो कि पिछले क्वार्टर कंपेयर में थोड़ा सा कम है, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस करें थोड़ा सा कम है। आप प्रॉफिट देख लेते हैं, 348 करोड़ नेट प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर के मतलब सितंबर क्वार्टर कंपेयर में थोड़ा सा कम है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस के क्वार्टर पर कंपेयर करें तो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन कंपनियां लगातार प्रॉफिट मेक कर रही है। तो अब आपको इस पे ध्यान देखना है कि कंपनी अपना डेप्ट कब कम करती है। जैसे ये कंपनियां डेप्ट कम कर लेती है, ये कंपनियां के जो स्टॉक्स है आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना है और थोड़ा सा मार्केट के डायरेक्शन का वेट करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद जो हमारा पांचवा सबसे बेहतरीन स्टॉक्स है इस सेक्टर का, वह है हमारा नेटवर्क 18। दोस्तों इस कंपनियों के साथ जो रिलायंस ग्रुप है उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो जुड़ा हुआ है। ये रिलायंस ग्रुप का दूसरा स्टॉक, दूसरा मतलब कहीं बेहतरीन स्टॉक है, जिसमें टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और जो डेन नेटवर्क है, ये सारे जो कंपनियां हैं छोटी छोटी वो इसमें मर्ज हो जाएगी और ये पेरेंट कंपनियां होगी उन सारी कंपनियों का। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्टॉक के साथ बहुत सारी कंपनियों का मर्जर होने वाला है। तो ये कंपनियों आप में इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है, जैसे इस कंपनी में करेक्शन आता है तो आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आगे मर्ज होकर के एक बेहतरीन कंपनी बन सकती है जो 2-3 इसके साथ मर्ज होने वाली है। और इसका देख सकते हैं 52 वीक लो है 14.70 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 33.75 रुपीज़। और पी रेशियो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, पी रेशियो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं इस कंपनी का। ये भी कंपनी कभी बहुत ही महंगे प्राइस का हुआ करता था, लेकिन अभी आपको बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है। देखते हैं ये भी कंपनियां कभी 500 से ऊपर प्राइस का था, अभी आपको मात्र 24 रुपीज़ में मिल रहा है, मतलब 25 रुपीज़ कहिए। और इसके सेल्स का देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल किस तरह का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च तक जो क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर तक का ही यहाँ पर रिजल्ट उपलब्ध है।
तो मार्च क्वार्टर तक का ही अभी उपलब्ध भी होगा क्योंकि जून क्वार्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं 1464 करोड़ नेट सेल्स है जो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में फ्लैट रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए 94.95 करोड़, मतलब 95 करोड़ नेट प्रॉफिट है जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में बहुत ही लेस है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा है। कंपनियाँ लगातार लॉस में थी और दो क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में है, तो समझ सकते हैं कंपनियों के रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है जब से रिलायंस इसको टेक ओवर किया है। तो ये कंपनी आगे चल के आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो ऐसे में ये कंपनियां जैसे इस गिरावट वाले मार्केट में नीचे आता है, करेक्शन आता है इसमें, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, किस समय करना है, कैसे आपको जजमेंट करना है इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।